सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा बीएससी को। 140 साल बहुत साल होते हैं, कहने में आसान होता है, पर 140 साल की हिस्ट्री बहुत लंबी हिस्ट्री होती है। और मेरी मेमोरी तो बीएससी की 45 साल पुरानी है। जब मैं एमबीए कर रहा था तो उसमें कोई वेबसाइट नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था, और हमको जब कंपनी पर रिसर्च करनी होती थी किसी भी कंपनी पर, या स्टॉक मार्केट को समझने का जो हमारे कोर्सेज थे, तो बीएससी की वो काली किताबें होती थी, कंपनी की इन्फॉर्मेशन की पूरे वॉल्यूम्स होते थे, तो उसको स्टडी किया करते थे। तो बीएससी का नाम तब से दिमाग में है। फिर जब प्राइम चालू किया तो उस समय खाली बीएससी था, बड़ा एक्सचेंज, स्टैंडिंग टॉल अमंग्स रीजनल एक्सचेंजेस। तो बीएससी के साथ मेरी बहुत प्लेजेंट और यूज़फुल मेमोरीज हैं, और इस एक्सचेंज ने पूरे देश में बहुत बड़ा काम किया, कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत बड़ा काम किया। तो OFS है या SME प्लेटफॉर्म है या करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, इसके अंदर लीडरशिप पोजीशन है। और मुझे लगता है कि जो नई टीम है इस समय बीएससी की, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है और जो मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है, वो ब्रोकर के इंटरेस्ट पे जैसे एक्सचेंज चला करती थी कई सालों तक, ये बिल्कुल मैनेजमेंट ऐसा है जो कि एक्सचेंज से डिवोटेड है। ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग हो गई है, और ये मैनेजमेंट अकाउंटेबल भी है और बहुत प्रोफेशनल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों के अंदर कुछ नए लैंडमार्क्स क्रिएट करेगी बीएससी। ऐसे कई एरियाज हैं जिसके अंदर बीएससी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और कई सालों तक, आज भी अगर देखें तो जब इंडियन स्टॉक मार्केट की बात होती है तो सेंसेक्स का नाम पहले आता है। तो सेंसेक्स मीन्स इंडियन कैपिटल मार्केट, और वो एक जो सिनोनिम बना हुआ है वो अभी तक मेंटेन हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि बीएससी इसको मेंटेन रखेगी आगे की।